गाइस, कैसे हो? मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि बड़े बड़े यूट्यूबर हाई ग्राफिक में खेलते हैं, तो आपको भी फोन के अंदर हाई ग्राफिक कैसे करते हैं तो वो भी आपको मैं गेम के अंदर सिखाने वाला हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऊपर सेटिंग में चले जाना है। तो आपको डी पे ही नहीं करना आता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप वीडियो में बने रहना। तो आपको कुछ नहीं करना, सेटिंग में आ जाना है। तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे आपको इसको आपको ये मैंने सेटिंग की हुई है, ये आपको कर लेनी है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये 5 मिनट नाम में आ जाना है आपको। तो यहाँ पे हाई ग्राफिक का आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मेरे पास में 4 हाई ग्राफिक है, तो मैं यहाँ पे HD में कर सकता हूँ। इसमें ना एक फ़ोन हीट होगा, आप ना दूसरे में कर सकते हो और तीसरे चौथे में करोगे तो आपका फ़ोन हीट होगा। तो आप तीसरे चौथे में मत करना, तो आप दूसरे या पहले में करना। और ये ऑप्शन को आपको इसको हाई ग्राफिक पे करना है। तो इसको करने से ही आपका फ़ोन में से आपका आपका गेम प्ले बहुत अच्छा होगा। तो आप इस ट्रिक को यूज करना है, तो आप एक बार यूज करके देखना। तो आपको हाई ग्राफिक कैसे करनी है, आपको गेम से बैक आ जाना है। गेम से बैकने के बाद में आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग के अंदर जाने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा नीचे आ जाना है। थोड़ा सा और आने के बाद में यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा फ़ोन के बारे में, तो आपको इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे आपको ना इस ये वाला ऑप्शन सब दिख रहा है ना, इस पर कुछ भी नहीं करना। इनमें से कोई आपकी सेटिंग होगी तो आपको उस पर टैप करते रहना है। जैसे कि अभी मैं सभी पे एक बार टैप कर रहा हूँ, तो आपको भी ऐसे ऐसे टैप करना है। तो आपको टैप करोगे तो यहाँ पे एक सेटिंग खुलेगी। जैसे कि अभी मेरी सेटिंग खुल चुकी है। तो इस सेटिंग को खुलने के बाद में यहाँ पे मैंने आईफोन का नाम लिख रहा है ना, यहाँ से दूसरे पे क्लिक करने पे मेरी सेटिंग खुल चुकी है। तो आप भी ऐसे ट्राई करके देखना एक बार, फिर आपकी सेटिंग खुल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, अभी आ जाना है थोड़ा सा बैक। तो बैक आने के बाद में यहाँ पे आपको एक सेटिंग का एंट्रिटी सेटिंग दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। आपको उस पर क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा नीचे आना है। तो यहाँ पे एक नाम दिख रहा होगा जिसपे मैंने अभी टैप कर रखा है, तो उस पर आपको एक बार टैप कर देना है। मैंने उसके ऊपर टैप करने के बाद में आपको उस पर टैप कर देना है। तो ऊपर में मेरी मेमोरी दिखा रही होगी, मतलब कि मैंने अभी फ़ोन में 4 GB का मेरा फ़ोन है, तो मैंने अभी 35 GB का फ़ोन भेज रखा है। अभी थोड़ा सा नीचे आ जाना है, और थोड़ा सा नीचे आने के बाद में यहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, जिसमें यहाँ पे DPA का, ये देखो गाइस, ये यहाँ पे DPA का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये देखो सबसे छोटी 2 एंट्री ही। अभी इसको ना आप ज़्यादा करोगे तो आपका ये लंबा ये स्क्रीन में जितने भी नाम दिख रहे हैं ये छोटे हो जाएंगे। तो मैंने अभी 360 की हुई है, क्योंकि मेरा फ़ोन हीट होने लग जाता है। तो आपका 6128 128 के बीच में फ़ोन है, तो आप इस सेटिंग को ज़्यादा कर सकते हो। इस सेटिंग को ज़्यादा करने पे आपका फ़ोन का DPA लग जाएगा, और आपको कोई भी कस्टम के अंदर हरा नहीं पाएगा, आपका मूवमेंट स्पीड और गेम प्ले अच्छा होगा। तो गाइस, आप इस ट्रिक को यूज करके देखना। तो आपको भी इस ट्रिक का यूज करके आप अपने लिए अच्छा कर सकते हो। तो आप 4 मतलब कि आपका 4 GB मेमोरी कार्ड है, तो आप इस ट्रिक को यूज मत करना, आप गेम वाली ट्रिक के ही यूज करना। उसको ट्रिक को यूज करने पे आपका फ़ोन ख़राब ही हो सकता है, तो आप अपने रिक्स पे ही ट्राई करना। तो अभी मेरा फ़ोन तो छोटा है, इसलिए मैं उस ट्रिक को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं यहीं पे वाली ट्रिक को ही यूज़ कर रहा हूँ। तो आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो, जिसके पास में 6128 या 8128 है, तो उस ट्रिक को यूज कर सकते हो। तो गाइस, प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, आपके फ़ोन में 4 GB मेमोरी कार्ड है, तो आप उस ट्रिक का यूज मत करना। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर, सब्सक्राइब कर देना। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय और टेक केयर।